अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बैटिंग कोच यूनुस खान ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया मोहम्मद आमिर के हवाले से। आइए दोस्तों, आप दोस्तों को तमाम तर रिपोर्ट बताने वाला हूँ कि मोहम्मद आमिर के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमेश राजा को क्या कहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बैटिंग कोच यूनुस खान ने मोहम्मद आमिर के हवाले से T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान टीम के सच्चे और पक्के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर आल पर लाजमी क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और आप दोस्तों को बताते हैं इस हवाले से मुकम्मल तफसील। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि सबको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है, लेकिन फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और शजील खान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। मोहम्मद आमिर को T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए लाजमी शामिल करना चाहिए था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, क्योंकि मोहम्मद आमिर बहुत ही अच्छे बॉलर हैं और T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए पाकिस्तान टीम में अहम किरदार अदा करेंगे। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने रमेश राजा को कहा है कि इसे लाजमी शामिल करो T20 वर्ल्ड कप 2021 में, क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी हैं तो इसे लाजमी शामिल करें।